नाम दिए देता हूँ बजरंग अली। मंगलवार है बजरंग बली का बार, हमें भी बजरंग बली पर। उन्होंने रावण की लंका जला दी, राक्षसों को मच्छर की तरह मसल डाला, पलक झपकते समंदर लांघ गए। वही बजरंग बली अब चुनावी सियासत में उलझ गए हैं। सबके संकट हरने वाले हनुमान जी को वोटों का गणित साधने के फेर में फंसा दिया गया है। संकट मोचन नाम तिहारो, नाम दिए देता हूँ बजरंग अली। मंगलवार है बजरंग बली का बार, हमें भी बजरंग बली पर। बजरंग बली ২০১৯ चुनाव के पहले चरण का वोट पढ़ते पढ़ते बजरंग बली कैसे सियासतदानों की जुबां पर उतर आए हैं, उनका नाम लेकर कैसे सत्ता का सियासी समीकरण बिठाने की कोशिश हो रही है, कैसे उनके नाम पर वोटों के ध्रुवीकरण का पासा फेंका जा रहा है, कैसे उन्हें चुनावी नफा नुकसान के लिए बना दिया गया है पावर सेंटर, आज के शो में बात उसी की। देश का सबसे बड़ा सूबा यूपी, जहां 2014 के आम चुनाव बीजेपी ने 80 में 71 सीटों पर कब्जा कर कांग्रेस एसपी बीएसपी को पूरी तरह रौंद दिया था, वहां 2019 में त्रिकोणीय मुकाबले की बाजी सज गई है। वहां एक ओर बीजेपी है तो दूसरी ओर एसपी बीएसपी आरएलडी और तीसरी ओर प्रियंका के मोर्चे पर आ डटने से कांग्रेस भी नई एनर्जी के साथ ताल ठोक रही है, अपना वोट बैंक बचाने और दूसरी पार्टी के वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश तेज है। चुनाव में मुस्लिम समाज के लोगों को ये कहना है गठबंधन ही इस लायक है कि वो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकता है। यूपी में पहले चरण के मतदान से पहले दलित मुस्लिम वोट पर दावा ठोक रही मायावती ने कह दिया कि मुस्लिम वोट उन्हें मिले, तो जवाबी पलटवार में यूपी के सीएम और भगवा ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि उनके साथ अली है तो हमारे साथ बजरंग बली। आखिर योगी ने बजरंग बली को क्यों अपने पक्ष में बताया, जबकि आदर्श चुनाव संहिता साफ कहती है कि धर्म के नाम पर वोट मांगने की मनाही है। दरअसल खेल वोटों के ध्रुवीकरण का है। एसपी बीएसपी के हाथ मिला लेने से बीजेपी के लिए यूपी में 2019 की चुनावी लड़ाई आसान नहीं रह गई है। दलित मुस्लिम वोट की काट तभी हो पाएगी जब हिंदू एकजुट हो जाएं। इसी काम पर बजरंग बली को लगा दिया गया है। हमारे गठबंधन के बारे में इशारा करते हुए ये कहा है कि यदि इनके अली हैं तो हमारे बजरंग बली हैं, ये इन्होंने कहा है। लेकिन इस संबंध में मैं इनको ये कहना चाहती हूँ कि हमारे अली भी हैं और बजरंग बली भी हैं। बजरंग बली का हवाला देकर मायावती ने एक ओर बीजेपी पर चुनावी स्वार्थ साधने का आरोप लगाया तो दूसरी ओर उनकी सहयोगी समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान ने बजरंग बली को लेकर एक नया नारा गढ़ दिया, जिससे वोटों के ध्रुवीकरण की रफ्तार थमने के बजाय बढ़ने की आशंका गर्मा गई। अली और बजरंग एक हैं, बजरंग अली तोड़ दो दुश्मन की गली। बली। बली।
अली यानी हजरत अली इस्लाम के चौथे खलीफा के साथ बजरंगबली का नाम जोड़ने से वोटों की सियासत कितनी सधेगी, इसके लिए तो 23 मई को आने वाले चुनावी नतीजों का इंतजार करना होगा। लेकिन 4 महीने पहले हुए मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव की बात करें, जहां सबसे पहले बजरंगबली को चुनावी सियासत में घसीटा गया था। दिसंबर 2018 में मध्य प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस की कमान संभाल रहे कमलनाथ का मुस्लिम वोट पाने की रणनीति वाला वीडियो सुर्खियों में आया था। आज मुसलमान समाज के अगर 90% वोट नहीं पड़े तो हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसी के जवाब में अलवर की रैली में योगी आदित्यनाथ ने ही बजरंगबली को बीजेपी के साथ बताया और बातों बातों में उन्हें दलित और वंचित बता गए। इसके बाद एक और दलित समाज ने कई हनुमान मंदिर पर अपना दावा ठोक दिया, तो दूसरी ओर नेताओं को बजरंगबली को अपनी जाति का बताने की होड़ लग गई। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद बुक्कल नवाब ने तो उन्हें मुसलमान ही बता दिया। ऐसा है कि जहाँ तक हनुमान जी की बात होती है और जात धर्म में बांटने की, हम आपको बता दें कि हनुमान जी जो थे वो पूरे विश्व के थे, हर धर्म के थे, हर मजहब के थे, हर मिल्लत के थे और हर धर्म को प्यारे थे। और जहाँ तक हमारा मानना है, हनुमान जी जो थे वो मुसलमान थे। बजरंगबली पर उत्तर से दक्षिण तक की सियासत गर्मा गई और उन्हें आरक्षण दिलवाने की सियासी नौटंकी हुई, तो वहीं हैदराबाद में बजरंगी बयान की आड़ में वोटों के ध्रुवीकरण का खेल खेला गया। अल्लाह की जात पर भरोसा करिए, अल्लाह हमारे लिए काफी है। अल्लाह मोदी को हराएगा, अल्लाह नायडू को जलील करेगा, अल्लाह राहुल को शिकस्त देगा और अल्लाह इंशाअल्लाह तआला मजलिस को कामयाब और कामरान करेगा। एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनावी नतीजे सामने आए तो साफ हो गया कि जनता ने बजरंगबली को सियासत में घसीटने की कोशिश को नकार दिया। बीजेपी ने इस सबक को भी समझा, लेकिन 2019 के मिशन पर उतरी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रयागराज में हनुमान जी की पूजा के साथ अपनी चुनाव यात्रा शुरू की और जनता में सॉफ्ट हिंदुत्व का संदेश देना शुरू किया, तो योगी आदित्यनाथ एक बार फिर हनुमान जी की शरण में जाने को मजबूर हो गए। हालांकि अब बीजेपी के नेता ही कह रहे हैं कि हनुमान जी को चुनावी राजनीति से दूर रखो। किसी के अपमान करने से बजरंगबली का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, लेकिन बजरंगबली का मजाक बनाने से बजरंगबली के भक्त जरूर नाराज हो जाएंगे और बजरंगबली के भक्तों की नाराजगी जो है वो भारी पड़ सकती है समाजवादी पार्टी की। इसलिए इसके पहले की ये बातें आगे बढ़ें, मैं चाहती हूँ कि अखिलेश इस बात को समाप्त कर दें, माफी मांगे इस पूरे विषय को। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि मिशन 2019 में अपना सियासी वजूद बचाने की लड़ाई में जुटी दूसरी पार्टियां वोटों के ध्रुवीकरण का कार्ड खेलने से खुद को रोक पाएंगी। फिलहाल हालात तो ऐसे नहीं लगते। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।